आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हंसिका सिंह। वन मंडल कार्यालय रीवा में पदस्थ बाबू गुरुप्रसाद तिवारी को बीते दिनांक 8 मार्च को उन्हीं के कार्यालय में रिश्वत देने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने कार्यालय के प्रमुख DFO चंद्रशेखर सिंह से करनी चाहिए, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई न करते हुए फरियादी को ही कार्यालय से चुपचाप बाहर निकालने के लिए आदेशित कर दिया। उक्त लोग कार्यालय में ही 3 से 4 घंटे बैठे रहे और लोकायुक्त का नाम लेकर धमकी देते रहे कि बाहर पूरी टीम खड़ी है, जबकि लोकायुक्त रीवा से बात करने पर ऐसी कोई कार्रवाई से नकारा गया है। नकली लोकायुक्त अधिकारी बनकर सरकारी कार्यालय में कौन धमकी दे रहा था, यह निश्चय ही जांच का विषय है। आपको बता दें कि कार्यालय में CCTV फुटेज भी उपलब्ध है। श्री तिवारी ने उक्त घटना की जानकारी रीवा SP ऑफिस एवं लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दे दी है। फिलहाल वहां से उन्हें जांच का आश्वासन दिया गया है। मेरा नाम गुरुप्रसाद तिवारी है, मैं वन मंडल कार्यालय रीवा से आया हूं। सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ हूं। क्या हुआ आपके साथ? दिनांक 8/3/2022 को प्रमोद कुमार द्विवेदी वनपाल पंचायत सिरमौर द्वारा राम नरेश पाल और अन्य लोगों को भेजकर हमारे खिलाफ लोकायुक्त ने लोकायुक्त से पैसा लेके और हमको देने के लिए गए थे। अच्छा। और उसी जब वो पैसा देने के लिए हमारे पास गया तो हमने पूछा कि तुम किसके कहने पर आए हो, तो बोला कि हम प्रमोद कुमार द्विवेदी के कहने पर आए। अच्छा, किस लिए पैसा दे रहे थे आपको, कोई कारण था? उसके पास उसका प्रकरण आया था हमारे पास, वो प्रकरण 3 तारीख को आया था, हमको 4 तारीख को मिला और 4 तारीख की कार्रवाई हमने उसको कर दी। 5 और 6 को छुट्टी थी, 7 को तो हमारे डिपो साहब थे नहीं, 8 को मैंने उसकी पूरी कार्रवाई कर दी। वो बार बार हमारे पास पैसा लेके हमारे जेब में डालने का प्रयास कर रहा था। क्या वो जिसम बजाना चाहते थे जी? साजिश चाहते थे आप? हमको साजिशन प्रमोद द्विवेदी के कहने पर वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और रच रहा है अभी भी, वो इधर उधर हमारे खिलाफ लेके पैसा भाग रहा है। आपने शिकायत किया लोकायुक्त SP के पास? मैंने अपने DFO साहब को भी लिख के दिया हूँ और मौके भी बताया हूँ और लोकायुक्त SP साहब को भी लिखी दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।